हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी में जो बड़ोड़ा में ही है। तो बस रेडी हो गए हैं, अब घर के बाहर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग जा रहे हैं एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए। बज रहे हैं 7:30 और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन लगभग 40 मिनट के अंतराल पे है, तो थोड़ा जल्दी निकले हैं। ये देखिए अभी बड़ोड़ा के अक्षर चौक में कितनी भीड़। देखिए अब बड़ोड़ा में भी मेट्रो की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग घर से निकले हैं अभी मुश्किल से 4 किलोमीटर भी पास नहीं हुआ है। इतना पास करते करते हमको लगभग 20 मिनट लग गए हैं। और ये देखिए आगे इधर साइड में हर जगह जैसे गाड़ियों का मेला लगा हो, रुकी हुई है। ये देखिए अब जाके ट्रैफिक में से निकल पड़ रहे हैं, बाहर निकलने मिला है, रोड खुली मिली। और देखिए ये अब हम लोग आ गए हैं अटल ब्रिज पे। ये देखिए पास हो रहा है, बढ़िया सा ब्रिज। और ये देखिए यहाँ से कट है जिसको नीचे जाना है, और हमको तभी और आगे जाना है। ज्योति गार्डन के पास और वापस इधर देखिए फिर से ट्रैफिक जाम। तो अभी अब बड़ोड़ा में भी बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स इतनी बढ़ने लगी है। ये देखिए गाड़ी सजी हुई है, सज के किनारे पड़ी है। ये देखिए आ गए हैं फाइनली पार्टी प्लॉट में। राजौरा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये देखिए डेकोरेशन कितना बढ़िया है। ये देखिए ये जिसकी शादी है, लड़की की शादी है, उसमें हम आए हैं। तो ये आजकल ये भी ट्रेंड निकला है फ्रेम में फोटो लगाने का। तो ये इस तरफ से भी देखते चलते हैं। ये और ये देखिए इनकी फैमिली की फोटो, राजस्थानी परिवार में शादी है। और ये देखिए अब एंट्रेंस में से अंदर जा रहे हैं। डेकोरेशन तो बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए ये देखिए फोटो फ्रेम लगी हुई है इस तरह से। और ये है गणपति दाता विराजमान है, जय गणपति बाबा। और ये देखिए मंडप के अंदर एंट्रेंस में गणपति दादा विघ्नहर्ता सुखकर्ता सुखदाता। देखिए गणपति जी की मूर्ति लगी है और डेकोरेशन देखिए कितना बढ़िया है। ये है हमारे गणपति बाप्पा मोरिया। और ये इस तरह से
और ये देखिए गणपति बाप्पा को भोग लगाया है। और ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं पार्टी प्लॉट में। तो ये देखिए बढ़िया सा फाउंटेन, ऑल ओवर पार्टी प्लॉट का पहले तो व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या लगा है वो भी देखते हैं। और इस तरह से ये बढ़िया सा फाउंटेन चला रखा है, ये बीच में मंडप सजाया है, अभी शादी होगी। और ये देखिए बढ़िया सा ब्रिज बना हुआ है, वहाँ फोटो सेल्फी जोन रखा हुआ है। और ये ऑल ओवर व्यू, अभी ये देखिए लड़की को जब मंडप में लाएंगे तब उस टाइम इस तरह से फूलों की सेज बढ़िया सा जो है इसके नीचे से दुल्हन आएगी। और ये इधर बढ़िया सा बना है सेल्फी जोन, ये आजकल हर पार्टी प्लॉट में मौजूद रहता है। और ये इधर भी है, तो थोड़े फ़ोटो हम भी पहले तो खींच लेते हैं, हो जाएगी भीड़ तो चांस नहीं मिल पाएगा, और वेटिंग करने में थोड़ा मन भी लग रही है, प्रॉब्लम्स होती है। ये देखिए मैंने ब्रोकली सूप लिया है, और ये मेरे बेटे ने गुआ का शरबत लिया है। करते हैं पहले तो सूप गर्मा गर्म। ये देखिए यहाँ से सब काउंटर चालू हो गए हैं, तो अपने देखते हैं कौन कौन से काउंटर लगे हैं और सीट फॉर सरप्राइज। ये बढ़िया सा डेकोरेशन, और ये सूप काउंटर है, और सूप काउंटर में ये बढ़िया सा थाई सूप है, और इधर ब्रोकली आलमंड सूप। तो ये दो तरह के इधर सूप है, आगे देखते हैं। और ये साउथ इंडियन, ये यहाँ पे चटनी है, चटनी और ये डोसा बन रहा है। वो देखिए कितना सारा स्टफिंग रखा है, ये टोटली डोसा का काउंटर है, ट्राई करते हैं पहले तो। और ये है डोसा का काउंटर, प्लेन डोसा, ये डोसा बन रहा है। और ये देखिए आगे थाली में इतना नहीं, थोड़ा सा है, सारा बर्तन रखा हुआ है, बस अभी मैं भी ट्राई करती हूँ। और ये देखिए इटालियन पिज्ज़ा, पिज्ज़ा काउंटर है, पिज्ज़ा का सॉस है, ये देखिए पिज्ज़ा लगे पड़े हैं, और वो पिज्ज़ा का पीस देखिए खाली वाले पिज्ज़ा की प्लेटें हैं। और ये देखिए पिज्ज़ा की पिज़्ज़ा बेस पड़े हैं, ये इटालियन काउंटर है। और ये देखिए ये है मैक्सिकन सीजनर, मैक्सिकन सीजनर, ये मेरे को भी सीजनर ट्राई करना है। और ये प्लेटें हैं, और ये देखिए सिग्नर के लिए भी प्लेटें गर्म हो रही हैं, इसमें कैबेज का पत्ता रहा है। तो ये है सिग्नर का, अभी आया थाई करी स्टीम राइस। तो यहाँ पे ये देखिए थाई करी का ये राइस है, इसके साथ ये थाई करी, इस तरह से ये है
पनीर बारबेक्यू। तो ये देखिए बारबेक्यू का काउंटर, और ये देखिए बारबेक्यू हो रहे हैं, ये प्लेटें सजी हैं, और वहाँ देखिए मैरिनेट करके मैरिनेट किया हुआ पनीर, कैप्सिकम है, और बारबेक्यू लगातार बच्चे सीख रहे हैं। और ये बारबेक्यू का इधर सर हो रहा है, और ये इधर साथ में है ग्रीन चटनी। ये है गुजराती रेसिपी का काउंटर लाइव ढोकला। तो ये इस तरह से, ये देखिए स्टीमर में ढोकले तैयार हो रहे हैं, और ये इस तरह से अलग अलग चटनियां हैं। ये है जलेबी है, ये हरी चटनी, ये तेल है, और ये देखिए बढ़िया से ढोकले एकदम पतले स्लाइसेस, यम्मी। तो ये देखिए लगातार उसमें से निकलता जा रहा है लाइव स्टीमर में, एंजॉय करते हैं भी थोड़ा। और ये देखिए यहाँ पे सब बैठे, अभी पहले तो जयमाल होगी, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट रखी हुई है इधर सामने, देखिए स्क्रीन चला रखी है, तो स्क्रीन पे इन लोगों की याद, पुरानी यादें, जो भी फंक्शन हुआ है उसकी। और ये है सोफ़ा, तो यहाँ ये देखिए इस तरह से सोफ़ा है, और ये है स्टेज। देखिए मेरी एक प्यारी सी बच्ची आई है पीछे, तो फोटो खींच रहे रहा है। बोले क्या नाम है आपका बेटा? नाम है क्या मालूम, क्या नाम बता रही है समझ में नहीं आ रहा है। खाना खा रहे हैं, और उधर बच्चों को गेम खिला रहे हैं। ये मेरा बेटा रसगुल्ला टाइप मिठाई है, वो एंजॉय कर रहा है। गुजराती दाल का भी काउंटर रखा हुआ है, और गुजराती दाल के साथ सिंपल राइस है, पापड़ नहीं डाल दिया है, पापड़ है। और ये देखिए मेथी मलाई मटर एकदम लजीज यम्मी। और ये है कचौरी, लीलवा कचौरी, मतलब जो अरहर के दाने होते हैं उसकी कचौरी, और साथ में है लाल चटनी और पूड़िया है। तो ये इस तरह से, और आगे दूसरा काउंटर देखते हैं। इधर देखिए इस तरह से रुमाली रोटी बन रही है, और ये इन्होंने इस तरह से पैक करके रखी है ताकि सूखे नहीं। और ये भरवा सब्जियों का काउंटर है, तो ये सारी भरवा सब्जियां हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये भरवा सब्जी में काफ़ी वेराइटीज है, सारी सब्जियां हैं, बर्फ में भी बड़ी है, और वो लोई लगी हुई है, और इधर रुमाली रोटी भी बन रही है। तो ये देखिए ये बच्चा रुमाली रोटी लेने, ये वाली ले लो, ये वाली।
इस तरह से। बस अब आगे दूसरे काउंटर पे चलते हैं। देखिए इस तरह से एक काउंटर उधर भी रखा है और ये इधर से ऐसे इधर दो काउंटर और लगे हैं। टोटली ये इस तरह के खाने के तीन काउंटर हैं और एक राजस्थानी खाने के अलग काउंटर है, तो वो भी देखते हैं। ये देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये जा रहा शादी का एंट्रेंस। और ये देखिए बारात आ गई है और अब हम थोड़े इधर स्टक हो जाएंगे ट्रैफिक में। ये देखिए सब स्ट्रीट फूड। ये है सिर्फ पीछे की है कुछ स्ट्रीट फूड जैसे आगे पीछे करता हूँ वो ऐसे आगे टेढ़ी वेढ़ी होती है वो भी नहीं पता। ये रात का बड़ौदा सिटी देखिए जी। पान पार्लर और ये थोड़ी खाने पीने की ऐसी दुकानें, बाकी तो सब दुकानें बंद हो चुकी हैं सारी शॉप्स। और ये है तो रोड पे जा रहे हैं चल रही है। क्या आई लव इंडियन आर्मी। तो ये ईएमई है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भारत सरकार CPWD। और ये देखिए अब हम चढ़ गए हैं अटल ब्रिज और ये पास हो रहा है तो अच्छा ये शास्त्री ब्रिज है पंड्या होटल शास्त्री ब्रिज। और ये अभी ज्योति गार्डन भी आगे आएगा। ये देखिए रात की झरनी और ये देखिए ब्रिज तो हो गया। और अब देखिए अब आया है ये अटल ब्रिज तो शास्त्री ब्रिज। अब आ गया अटल ब्रिज शास्त्री ब्रिज उतरिए। ये देखिए झंडाटेदार गाड़ी पास हो रही है और अभी तो ट्रैफिक भी कम है।
ये देखिए दवे पोंक सेंटर, इधर घूटो वराड़ियू बाजरी मकाई ना रोटला, और ये देखिए जो गुजरात की मतलब अलग अलग जगह की फेमस आइटम है। तो गुजरात में भी नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, मध्य गुजरात सबकी अपनी वैरायटी होती है। ये आ गया अक्सर चौक, और ये देखिए चढ़ेंगे ब्रिज, ये चढ़ गए ब्रिज हमारे घर से आते जाते 4 ब्रिज हमको चढ़ने पड़े उतरने पड़े, और अभी इसके बाद एक हमारे एरिया का वर्सर ब्रिज बाकी है, वो 650 मीटर लंबा है, वहाँ मैं इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है और 650 मीटर उसकी लंबाई है, तो चढ़ो उतरो और घर पहुँचो तो आराम से 4 किलोमीटर के करीब हो जाता है। अब फाइनली ये बंद नहीं हमारा वडसर ब्रिज ये देखिए से स्टार्ट होता है, और ये उधर वॉकिंग पाथ बनाया है, तो शाम के टाइम वॉक करके देखिए निकल जाते हैं। दोनों तरफ है वॉकिंग पाथ, 650 मीटर लंबा ब्रिज है, तो एक बार चढ़ के उतरो तो 1.25 किलोमीटर तो हो ही गया। इस तरह से ये देखिए है हमारा बड़सर, और ये है हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल देखिए तीसरा मालिक आ गया है, ये अभी वर्ल्ड विजार्ड हॉस्पिटल हो गया है। मेरी वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।